कोरोना वायरस की नई लहर में भारत में तबाही। 24 घंटे में 3,23,144 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले नए केसों की संख्या में गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,771 लोगों की मौत हुई है, तो हर दिन 2,500 से ज्यादा अधिक मौतें बनी हैं चिंता का विषय। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है। हर दिन कोरोना के मामले 3,00,000 के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस महासंकट के बीच एक राहत की खबर यह है कि आज देश में कोरोना के मामले में कुछ हद तक कमी आई है। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,144 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कम आंकड़ा है, जबकि 2,771 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन भी आंकड़ा इसी के पास था। ऐसे में हर दिन लगातार 2,500 से अधिक मौतें चिंता का विषय बनी हुई है। और ममता, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ी हैं। ममता, जिस तरह से देखा जाए कोरोना के सारे रिकॉर्ड लगभग टूट रहे हैं, मौतों के अगर हम आंकड़े की बात करें तो वाकई डराने वाला है, लेकिन आज 24 घंटे की बात करें तो कुछ गिरावट दर्ज की गई है कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस में। जी बिल्कुल अनन्या, सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो आंकड़ों में गिरावट है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि कुछ संख्या कम हुई है संक्रमित लोगों की। हालांकि अगर मौत की बात करें तो उसमें कमी नहीं है, 2,000 के पार है मौत का आंकड़ा, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या में कमी जरूर आई है। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 20,000 के आसपास, यानी कि जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि तकरीबन 25 से 26 हज़ार संक्रमित लोगों की संख्या थी, लेकिन आज 24 घंटे की अगर हम बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 20,000 के आसपास संक्रमित लोगों की संख्या है, यानी कि लगातार आंकड़ों में गिरावट हो रही है और ये एक राहत की बात है। चाहे वो दिल्ली हो, सबसे ज्यादा मामले जो है महाराष्ट्र में है, वहां पर भी आंकड़ों में गिरावट आई है, यानी कि जिस तरीके से राज्य सरकारों ने सख्ती बरती है उसका कुछ न कुछ फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अस्पतालों की बात करें तो लगातार अभी संकट बना हुआ है। आज ही छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है दिल्ली में ऑक्सीजन लेकर आई है, जो दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से सप्लाई किया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में जो इलाज के लिए लोग परेशान थे उनको परेशान ना होना पड़े, ऑक्सीजन मिले, तमाम वो सुविधाएं मिले दिल्ली के नागरिकों को जो उनके लिए जरूरी है, और सरकारों का जो फर्ज है सरकार भी कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर 20,000 के आंकड़ों की हम बात करें तो गिरावट तो है, लेकिन और भी कमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हालांकि जिस तरीके से पूरे देश में महामारी फैली हुई है, कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार लोगों को अपने चपेट में ले लिया है, इसको देखते हुए हिंदुस्तान के अलावा बाहर दुनिया के लोगों ने भी भारत का सहयोग देने का, आप देख रही होंगी कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी प्रधानमंत्री से बातचीत की गई है कि हिंदुस्तान में जो भी ज़रूरत होगी अमेरिका की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, तमाम लोगों ने भी हिंदुस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि पहली लहर में भारत की तरफ से तमाम देशों को मेडिसिन, दवाइयाँ सप्लाई की गई थी जो उनके लिए ज़रूरी था। लेकिन अब जब वक्त हिंदुस्तान का थोड़ा सा ख़राब हुआ है, हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए विश्व ने भी भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो गिरावट दर्ज की गई है, जो एक राहत की बात है। अनन्या, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।